हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। आई नो काफी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए। बहुत मतलब अब मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं 2 मई से, तो बहुत बिजी सा शेड्यूल चल रहा है। इस वजह से मतलब वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं, बट आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। अवेंजर एंड गेम रिलीज हो गई है, आप सभी को पता है, बट भाई ये रिलीज होने से सिर्फ 4 घंटे बाद ही ये वेबसाइट्स पर आ गई थी। अभी कैसे आई, किन वेबसाइट पर आई और क्यों आई, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो इसलिए प्ले करी है कि आपको इस पर डाउनलोड का लिंक मिलेगा, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस पर आपको डाउनलोडिंग लिंक बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, और इंट्रो चलने आते। तो गाइस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अवेंजर मोस्ट अवेटेड मूवी एंड गेम अभी लास्ट सीरीज है, लास्ट पार्ट है इस सीरीज का, वो आया है और रिलीज हो गया है। पहले इंग्लिश वर्जन इसका रिलीज हुआ था, इंडिया में शायद 1 या 2 दिन बाद रिलीज हुई है ये। तो इंग्लिश जो वर्जन है गाइस, वो इंडिया में रिलीज होने से 2 दिन पहले ही ऑनलाइन नेट पर आ गया था और काफी लीक हो गया, काफी मतलब बहुत लोगों ने देखा वो, बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो, और यूट्यूब तक पे उसकी वीडियो थी। कुछ पार्ट थे प्रॉपर नहीं थे, बट कुछ पार्ट उसके यूट्यूब पर भी थे। और गाइस इसके बाद जैसे ही फ्राइडे को इंडिया के अंदर अवेंजर एंड गेम हिंदी में लॉन्च हुई, तो गाइस जैसे ही रिलीज हुई ना, उसके आई थिंक मैंने फ्राइडे को नेट पे देखा, तो दोपहर को 12 बजे मेरे को वो मिल गई थी हिंदी वर्जन भी उसका। मतलब फ्राइडे को ही दोपहर को 12 बजे उसका हिंदी वर्जन भी मुझे मिल गया। तो उसका जो प्रिंट था गाइस, प्रिंट भी मतलब बहुत ठीक था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल घटिया प्रिंट हो, इतना प्रिंट ठीक था कि आप उसे इजीली देख पाओ। अब गाइस ऐसा क्यों गया गाइस, मैंने अभी इसके ऊपर आर्टिकल पढ़े थे काफी सारे, तो इसमें एक तमिल रॉक्स करके वेबसाइट थी। अब जो गाइस ये वेबसाइट थी, इसका मतलब ये एक वेबसाइट इतना बड़ा तगड़ा वो करती है, ये पायरेटेड वेबसाइट है, बहुत तगड़ी वेबसाइट। इसके अंदर गाइस आपको मूवी एक से एक मिल जाएगी, बट इसका लिंक आपको इजीली नहीं मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट इसे बहुत जल्दी ब्लॉक कर देती है। और जैसे ही इसे ब्लॉक करती है, तो इसका नया डोमेन, नया यूजर नेम आ जाता है वेबसाइट का। मतलब ये वेबसाइट इतनी पावरफुल है पायरेसी की दुनिया में कि मतलब इसे जैसे ही गवर्नमेंट ब्लॉक करती है, ये तुरंत दूसरा डोमेन लेके बहुत जल्दी मतलब आ जाती है वेबसाइट पे। और इसका खुद का ट्विटर हैंडल है, मतलब खुद का ट्विटर अकाउंट है जहां पर ये अपना डोमेन पोस्ट कर देते हैं जैसे ही इनकी साइट ब्लॉक होती है। तो ये जब आपको एक्सेस करनी हो, तो ये विदाउट वीपीएन इम्पॉसिबल है, आप इसे ढूंढ भी नहीं सकते गूगल पे, तो विदाउट वीपीएन तो कुछ भी नहीं हो सकता गाइज। अब इसके जैसे ही इसके ऊपर ये मूवी रिलीज हुई, मतलब लीक हुई जैसे ही पायरेटेड, तो कई बंदे जो हैं, जो मूवी वेबसाइट की, जो मूवी की वेबसाइट चलाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि इसका डोमेन क्या है, और वो अपनी वेबसाइट पर मूवीज वहीं से लेकर आते हैं। तो उन्होंने मतलब देखा और वो भी अपनी वेबसाइट पे मूवी ले आए, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, तो उस पर मूवी वो थी अवेंजर एंड गेम, 3 GB में भी थी, 400 MB में भी थी और 700 MB में भी थी। मतलब काफी सारे प्रिंट थे। इंडियन गवर्नमेंट है जो पायरेसी रोकने की कोशिश कर रही है, बट जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कोई चांस ही नहीं है कि वो रोक पा रही हो, क्योंकि यार गाइस बहुत मतलब रिलीज के सिर्फ 4 घंटे बाद ही मूवी नेट पर आ गई, लीक हो गए। तो गाइस इसमें कौन सी पायरेसी रुक गई है, कितनी भी वेबसाइट ब्लॉक कर लो, बट ये पायरेसी नहीं रुक रही है। तो इसका रीजन पता नहीं क्या है गाइस। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर